सेना पीएम मोदी के साथ छाता लेकर चलते नजर आए। बाद में दोनों नेता वहां मौजूद मंच पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का नेताओं और दूसरे अधिकारियों से परिचय कराया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक पौधा भी लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ एक रोड शो किया। वायनाड लोकसभा सीट जीतने के बाद राहुल गांधी लोगों को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंचे थे और रोड शो के जरिए लोगों का आभार जताया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी की फोटो वाले झंडे थे, वहीं संगीत भी बज रहा था। राहुल गांधी के इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग चल रहे थे। वहीं कई लोग सड़क के किनारे खड़े होकर राहुल गांधी का अभिवादन करते दिखे, जबकि कई लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर हाथ हिलाते नजर आए। राहुल ने भी उनका हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वहीं कई लोग राहुल गांधी के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। राहुल गांधी की मौजूदगी में उनके समर्थक इतने जोश में थे कि ढोल और नगाड़ों की धुन पर नाचने लगे। वहीं लोगों से बात करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। नेशनल लेवल वी आर फाइटिंग द पॉइजन बीइंग स्प्रेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। वायनाड सीट जीतने के बाद राहुल गांधी ने यहां के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को धन्यवाद किया। राजस्थान के पाली में गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक के पहियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रक में करीब 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर मौजूद थे, जो ट्रक में लगी आग की चपेट में आ गए और उनमें एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस दौरान लोगों ने सावधानी बरतते हुए हाईवे पर अपनी गाड़ियों को ट्रक से काफी दूर रोक लिया, जिससे वो जलते हुए सिलेंडर की चपेट में आने से बच गए। बताया गया कि ट्रक के पहियों में अचानक आग लग गई थी, जिसे ड्राइवर ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। इसके बाद आग ने ट्रक में भरे गैस सिलेंडरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान काफी दूर से धुएं का काला गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया। बताया गया कि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में जीटी रोड पर कई दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। और देखते ही देखते वहां की हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। वहीं आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रखे गए सामान जो अब तक जले नहीं थे, उनको लोग निकालते दिखे। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। वहीं आग से धुएं का गुब्बार उठने लगा और आसमान काला दिखने लगा। बताया गया कि इस आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल विभाग वाले जब तक मौके पर पहुंचते, तब तक कई दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में बिजली के बॉक्स में आग लगने की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क के किनारे बिजली के बॉक्स में पहले चिंगारी निकली और फिर अचानक धुआं उठने लगा। तभी अचानक उस बॉक्स में तेज धमाका हो गया और बिजली के इस बॉक्स से चिंगारी निकलकर सड़क पर गिरने लगी, जिससे वहां के लोग घबरा गए। इसके बाद भी उस बॉक्स में आग जलती रही। बताया गया कि इसकी वजह से आसपास के कई घरों में बिजली गुल हो गई। लोगों ने बिजली विभाग को इसकी खबर दी, लेकिन वो जब तक वहां पहुंचते, उससे पहले लोगों ने मिलकर उस आग को बुझा दिया। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन पर खड़ी तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग सबसे पहले ट्रेन की एक बोगी में लगी, जिनके पास की दो बोगियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में वहां से आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद काले धुएं का गुब्बार उठता देखा गया, जो पूरे इलाके में फैल गया। वहीं आग की खबर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ट्रेन में लगी आग को बुझाने के लिए रेलवे स्टेशन के कर्मचारी बोगियों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं, कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया। हालांकि थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा कि घर के अंदर शादी की रस्में चल रही है और वहीं घर के बाहर कुछ लोग संगीत की धुन पर डांस कर रहे थे। तभी दो लोग अपनी राइफल से आसमान में फायरिंग करने लगे। इस दौरान डांस कर रहे लोग रुके नहीं और डांस करते रहे। वहीं कई बच्चे भी खड़े होकर ये सब देख रहे थे।
इसके बाद झारखंड के हजारीबाग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी की हालत को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया है। गाड़ी बहुत स्पीड में चल रहा था, 120 के स्पीड में, तो फिर हुआ है अचानक जो है गाड़ी आवाज कर रही है खट 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 खट, तो फिर मतलब अचानक जो है ना बोला ड्राइवर की ब्रेक फेल हो गया। उसके बाद बोला कि समय बचा लो, तो फिर मतलब अचानक ब्रेक ले भी नहीं सकता था क्योंकि ब्रेक फेल था, तो फिर मतलब अचानक गाड़ी इधर से इधर आ गई। फिर मतलब बीच वाला था, पूरा सपाट टूट गया, बीच वाला जिसमें हम खड़ा रहते हैं कलर टूट गया, तो फिर मेरा पैर एकदम नीचे चल गया, तो फिर महसूस हुआ हमको कि अंदर पूरा गर्म है। ऑटो में बैठे लोग बस और ऑटो के नीचे दब गए। हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने बस के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। हादसे के बाद बस को खाली किया गया। बस में सवार सभी लोगों को नीचे उतारा गया। इसके बाद वहां मौजूद लोग बस को पीछे की तरफ धक्का देते नजर आए। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक तेज रफ्तार तेल के टैंकर ने फुटपाथ पर सो रहे एक परिवार को कुचल दिया। इस हादसे में परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। जिसके बाद हादसे में मारे गए लोगों का परिवार मातम मनाता नजर आया। हादसा इतना दिल दहलाने वाला था कि सड़क के किनारे सो रहे 3 मासूम लोगों को एक टैंकर ने कुचल दिया और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। बताया गया कि हादसे के समय ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था, जिसकी वजह से टैंकर तेज रफ्तार में सामने खड़े दूसरे टैंकर से टकरा गया। उसने सामने वाले टैंकर को ठोका, उस टैंकर ने आगे जितने भी टैंकर खड़े थे सबको ठोकते चले गया। उसके नीचे जो फैमिली सोई हुई थी उसके टायर उनके सोते हुए के ऊपर चढ़ गए। वहीं परिवार के साथ सो रहे बच्चे के पिता भी इस हादसे में जख्मी हो गए। आपकी वाइफ थी वो। बताया गया कि हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर मौके से भाग गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लड़के से बात करने के आरोप में परिवार ने मिल करके अपनी बेटी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़की का उस लड़के से बात करना उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी बेटी को इतना मारा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई। यही नहीं, लड़की के परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को डंडों से पीटा और उसके पैरों में हथौड़े से वार किया, जिससे उसके पैरों में खून निकलने लगा। माँ बाप पर अपनी बेटी के बाल काटने की कोशिश का भी आरोप लगा। पिटाई के बाद लड़की किसी तरह अपने घर से भागने में कामयाब हो गई, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज की। पापा ने भैया ने मारा था हमको, हथौड़े मारे थे पैरों में, जान से मारने के लिए बोल रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरे। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। श्रीलंका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को ईस्टर के दिन आतंकी हमले में मारे गए लोगों को चर्च जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड के बाद अब केरल के कोझिकोड में भी रोड शो निकाला और पीएम मोदी पर निशाना साधा। और असम के सिलचर रेलवे स्टेशन पर खड़ी तिरुवनंतपुरम सिलचर ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीलंका पहुंचे, जहां उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आतंकी हमले के बाद श्रीलंका की यात्रा करने वाले किसी भी देश के पहले नेता हैं। और वहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो के एंथनी चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने ईस्टर के दिन आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे भी खड़े नजर आए। लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर ईस्टर के दिन आतंकी हमलों की आलोचना की। इससे पहले श्रीलंका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर 2 छोटे बच्चों ने फूल देकर स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों बच्चों से बातचीत भी की। इसके बाद पीएम मोदी का श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में पीएम मोदी रेड कार्पेट पर चलते हुए नजर आए, जिसे वहां उनके स्वागत के लिए बिछाया गया था। यही नहीं, पीएम मोदी ने वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों से भी मुलाकात की। कुछ महीने पहले ही श्रीलंका में हुए आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 11 भारतीय भी शामिल थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मिलने पहुंचे।
जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार के आगे और पीछे घोड़े पर सवार जवान चलते हुए नजर आए। इसी बीच वहां तेज बारिश शुरू हो गई, जबकि बारिश में सड़क के किनारे लाल ड्रेस पहने लोग ढोल बजाते दिखे। तेज बारिश के बीच पीएम मोदी की कार राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ती रही और उनकी कार के आगे कलाकारों ने श्रीलंका का पारंपरिक डांस भी किया। वहीं राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना पीएम मोदी के साथ छाता लेकर चलते नजर आए। बाद में दोनों नेता वहां मौजूद मंच पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का नेताओं और दूसरे अधिकारियों से परिचय कराया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक पौधा भी लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ एक रोड शो किया। वायनाड लोकसभा सीट जीतने के बाद राहुल गांधी लोगों को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंचे थे और रोड शो के जरिए लोगों का आभार जताया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी की फोटो वाले झंडे